चल रहे हैं हम आज अपनी दुकान की तरफ, और अभी गए थे हम नानी के यहाँ पे और अब चल रहे हैं। ये है रिक्शा गया है और ये यहाँ पे गेहूँ के खेत है चारों तरफ, ये बड़ा सा घर, और ये सामने से कार आ रही है। दो रास्ते हैं, हमको जाना है सीधा, ये ट्रक को बहुत तेज है, सामने वाली रास्ता तो बहुत ज़्यादा खराब है, चलना पड़ेगा। ये लग गए हैं धान के बोझ, जिनके पैरा जिनको बोलते हैं, धान पीट के एक जगह लगाया गया है, इसको खरही बोलते हैं, बड़ी बड़ी इन्हीं को कतर के खिलाया जाता है, इसके छप्पर भी बनाए जाते हैं। काफी ये बड़ी सी ज़्यादा रास्ते खराब है, और ये तार जानवर बांधे हुए हैं, इधर किधर से जाना पड़ रहा है। देखो सरसों के खेत, वाओ बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त मजा आ गया देख के। एक बट्टा सामने भी है, और ये वाओ ये फट गई गाड़ी, ये सही है। काफी गड़बड़ दिख रही है, ओहो बहुत धूल उड़ेगी। अच्छा जी सीधा चलते हैं, ओहो
वरना वापस तो नहीं आना पड़ेगा। इधर हाईवे बनना है ना इस वजह से। भैया बहुत स्लिप कर रही है। पूरी गाड़ी धस गई। गिरूंगा मैं। गिर गया था भाई, पूरे कपड़े भर गए। अच्छा इधर से चलूं अभी। बहुत गहरा ढेर था, उसमें घुस गई थी गाड़ी। मेरे शूज देखोगे कपड़ा। चल रहा है काम, रोड बनेगी पक्की। ये छोटा सा टेबल शायद पूछना पड़ेगा भैया, निकल जाएंगे कि नहीं। मुझे तो लगा लौटना पड़ेगा, पर गांव वाले हैं तो ऐसे रास्ते में भी चलने की आदत है। आगे दिखाता हूँ मैं आपको छोटा पाकिस्तान जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई वैसे लोग नहीं रहते, नाम बदल दिया गया है। योगी जी की गायें बैठी हैं, बैल भी हैं, गाय भी हैं, मैदान है। यहाँ पे लोग मैच भी खेलते हैं। बारिश के टाइम इस रोड पे आना मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल है। जंगल है इसको बोलते हैं छोटा पाकिस्तान। मेरे जूते खराब हो गए हैं, निकालना पड़ेगा माटी, थोड़ा सा साफ कर लो। चलो और आगे दिखाते हैं। ये सबसे छोटा सा टेबल है, ये लोग आ रहे हैं। यहाँ कंक्रीट रोड है, यहाँ पे तो तेज से चल भी नहीं सकते। स्कूटी वाला तो और भी फिसल जाए, मैं तो स्कूटी चलूँगा फिसल जाऊँगा। ये चल रहा है काम आगे, मछली पकड़ने वाले हैं। बहुत
डाल रखी है। गुफा क्या रेलवे की पटरी ऊपर से गई है, नीचे से लोग जाएंगे। वैसे ये मिशन मेरे लिए फेल, बारिश में इससे निकलना मुश्किल।